नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। बीजापुर में दो नक्सली गिरफ्तार। डीआरजी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बीजापुर में दो नक्सली को गिरफ्तार किया है। एलओएस सक्रिय महिला सदस्य सहित दो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गश्त के दौरान जंगलों में ये गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ में देर रात मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस। एक्टिव केस 388। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हर दिन दर्जनों मरीज मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देर रात्रि 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। जिला रायगढ़ से 2 एवं दुर्ग, राजनांदगांव व महासमुंद से 1-1 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 388 है। आईजी प्रदीप गुप्ता बनाए गए लोक अभियोजन FSL के डायरेक्टर। प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गृह विभाग ने आईजी प्रदीप गुप्ता को लोक अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि इसके पहले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में एडीजी जीपी सिंह को वापस PHQ पदस्थ किया गया और रायपुर SSP आरिफ शेख को DIG EOW ACB का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर आलोक शुक्ला व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष बनाए गए। वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कौशल विकास समिति के प्रमुख सचिव की भी जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। आलोक शुक्ला को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार मिला है। हालात ठीक होने पर 1 जुलाई से प्रदेश में खुल सकते हैं स्कूल। राज्य सरकार स्कूलों के खोले जाने पर विचार कर रही है। यदि हालात ठीक रहे तो मिडिल स्कूलों को पहले खोला जा सकता है। हालांकि स्कूलों के खोले जाने के पूर्व सरकार को अनेक सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि कई जिलों में स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इन सभी स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा। कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 पार। 24 घंटे में 8,392 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 8,392 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में 230 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 पहुँच चुकी है। कुल मौतें 5,394 हुई है। वहीं अब तक 91,819 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। IPS नेहा चंपावत बनी छत्तीसगढ़ की पहली महिला विशेष गृह सचिव। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में एक और फेरबदल किया है। IPS नेहा चंपावत को गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली विशेष गृह सचिव नेहा चंपावत होंगी। वे 2004 बैच की IPS अफसर है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंशियान कोरोना पॉजिटिव। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंशियान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। COVID-19 के लक्षण दिखाई देने के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर पता चला है कि वे पॉजिटिव हैं। उनका इलाज जारी है। 45 वर्षीय निकोल 8 मई 2018 को अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बाद अब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री COVID-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। संगीतकार वाजिद खान का निधन। बॉलीवुड की दुनिया से एक और दुखद खबर मिली है। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों से लेकर उनके समर्थक तक शोक जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका में नेशनल हॉकी लीग के हर खिलाड़ी का मैच से पहले होगा टेस्ट। कोरोना वायरस के बीच धीरे धीरे खेल पटरी पर लौट रहा है। हालांकि अभी भी वायरस का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए अमेरिका की नेशनल हॉकी लीग के हर खिलाड़ी का मैच से पहले कोरोना टेस्ट होगा। इधर इक्वाडोर और ब्राजील के फुटबॉल क्लब एटलेटिको मिनोरो के मिडफील्डर जुआन कजारेस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।
अक्सर आपके संस्थान, घर, मकान, दुकान पे OTS होता है। OTS मतलब ओपन टू स्काई, ऐसी जगह हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमारा लेटरिन बाथरूम या किचन को प्रकाश मिलता हो। तो यह इन OTS पे हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। यह OTS कचरे, गंदगी, कबाड़ से भरा हुआ होता है। OTS का निर्माण हम करते हैं सूर्य के रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को उस स्थान पे प्रवेश कराने के लिए जो कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो आइए इन OTS को, इन खुले हुए स्थान पे हम पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पर रंग रोगन करें या उसकी दीवार पे, पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दें, या अगर टाइल्स लगा हुआ हो तो हम उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें, जिससे उस खुले हुए OTS से ज़्यादा प्रकाश आपके लेटरिन बाथरूम में या जहाँ प्रकाश जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश घर को देना शुरू कर दें।